नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। प्रोफेसर साहब कॉलेज से आ रहे थे, रास्ते में उनके दोस्त की दुकान थी, उसको मिलने चले गए। चाय वाय पी, गपशप हुई, लेकिन प्रोफेसर साहब ने अपने दोस्त से पूछा, यार क्या बात है, पहले इतना रश था तुम्हारी दुकान पे, तुम्हें बात करने का टाइम नहीं था, आज तो तुम फ्री बैठे हो, तुम्हारे कर्मचारी भी मुझे कम नजर आ रहे हैं। उसने कहा, मैं इस मार्केट का खिलाड़ी हूँ, आज बिजनेस ढीला है कल तेजी पकड़ेगा। उन्होंने बोला, नहीं तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा, तुम्हारे आगे पीछे 3-4 और कपड़े की दुकानें खुल चुकी हैं और वो भी नए नए तरीकों की। तो उन्होंने कहा, पुरानी पे ही लोग आते हैं, ऐसे नहीं है कि कहीं भी चले जाएंगे, हमारा भी नाम इज्जत है। प्रोफेसर साहब ने सोचा ये तो नहीं समझेगा। उन्होंने बोला, तुम कल तो छुट्टी है तुम्हारी भी, मेरी भी छुट्टी है, चलो कल हम बैठते हैं चाय वाय पीते हैं। दोनों दोस्त अगले दिन उनके प्रोफेसर साहब के घर में मिले। प्रोफेसर साहब उनको अपनी लैब में ले गए। उन्होंने एक जार में पानी लिया, गर्म पानी, और उसमें एक मेंढक को डाल दिया। मेंढक को गर्म पानी लगा, उसको खतरे का आभास हुआ, वो फुदक के ताकत से बाहर आ गया। अब उन्होंने फिर से एक जार में ठंडा पानी लिया और मेंढक को उसमें डाल दिया। मेंढक को बहुत अच्छा लगा और मेंढक उसमें तैरने लगा। अब उन्होंने क्या किया, उस जार को गैस बर्नर पर रख दिया और धीमी आंच कर दी। जैसे जैसे पानी थोड़ा गर्म हुआ, मेंढक को कुछ आभास तो हुआ, लेकिन उसने अपने आप को उस तापमान के अनुसार एडजस्ट कर लिया। फिर थोड़ा पानी गर्म हुआ, मेंढक एडजस्ट करता चला गया, लेकिन एक समय बहुत तेज गर्म हो गया। मेंढक ने खूब कोशिश की जार से बाहर जंप करने की, लेकिन उसकी एनर्जी सारी खत्म हो चुकी थी अपने आप को एडजस्ट करने में। अब उसके पास इतना समय नहीं था कि बहुत बार कूदे, अब वो उसी में डूब के मर गया। दोस्त ने कहा, यार तुमने मुझे दिखाने के लिए मेंढक को मार डाला, तुम दिखाना क्या चाहते हो? उन्होंने बोला, मैंने मेंढक को नहीं मारा, मेंढक ने अपनी जान खुद ली, क्योंकि वो बदलते तापमान के साथ अपने आप को बचाया नहीं, आलसी बनकर उसमें बैठा रहा कि अभी ठीक है एडजस्ट करता जाऊंगा, लेकिन एक समय आया जब एडजस्टमेंट नहीं होता। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, एडजस्टमेंट तुम्हारी सेल, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी बदलाव के लिए बहुत, तुम्हारे लिए बदलाव बहुत जरूरी है, मार्केट में इतना बदलाव आ चुका है। दोस्त ने कहा, ठीक है भाई, मैं कल से बदलाव शुरू करता हूं, मैं मरने से पहले सब कुछ अच्छा करूंगा, मैं बहुत ऊंचा जाऊंगा, सारे तरीके तुम कुछ दिनों में मेरे देखोगे मेरी दुकान पे आके। तो दोस्तों, कहीं हम भी तो नहीं इस कहानी से रिलेट कर रहे? हम जब नियुक्त हुए थे किसी नौकरी में, क्या वही स्किल आज चल रहा है? क्या अपने आप को हमने अपडेट किया? नहीं किया तो करना शुरू करिए, नहीं तो जब कंपनीज ले ऑफ करती हैं, सबसे पहले उनका नंबर आता है जो पुराने तरीकों के होते हैं, नए बदलाव अपनाते नहीं हैं। चलिए हम अपने आप को मजबूत करें नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए तरीकों के साथ, ताकि बदलाव की जितनी भी जोर से आंधी आए, हमारी जड़ें इतनी मजबूत हों कि हमें हिला ना पाए। नमस्कार, जय हिंद।